अपनी जा रहा है थोड़ा, ज़्यादा नहीं ले रहा फिर भी। चलो उनको वॉकिंग करने के लिए थोड़ा बाजू में, दोनों साथ में आइए, दोनों साथ में यहाँ पे देखिए। पहले इधर दो, पहले इधर दो, सामने लुक पे थोड़ा थोड़ा इधर भी। एक मिनट मैं जाऊँ। अरे आप मत जाओ सर, ऐसे आइए, चलो एक बार आइए, आइए आइए। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। घूम जाइए ना पीछे थोड़ा, हाँ ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा, बस 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 बस, ग्रूमिंग नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ आ रहा है ना, वैसे कर रहा है, कलर अच्छे आ रहे हैं, कम कर रहा हूँ, ज़्यादा लगे इसको। वेरी नाइस, वन मोर वन मोर वन मोर। मार्च का जो इशू है वो इन दोनों मॉडल्स के साथ शूट किया जाएगा, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को इस फोटोशूट का एक्सपीरियंस, और दोनों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारी ऑडियंस। जी मेरे सबसे पहले तो सबको बहुत सारे वुमेंस डे के लिए, मार्च का एडिशन स्टार्ट हो रहा है तो इट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, और अभी आज हम शूट कर रहे हैं दोनों विनर्स के साथ। ये परफेक्ट मिस 2018 है एंड शी इज़ मिस नेहा गुलिया, शी इज़ फ्रॉम चंडीगढ़ एंड शी इज़ ऑन द कवर शूट, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, एंड शी इज़ दिव्या तिचोलकर फ्रॉम मुंबई। तो इनके साथ हम कवर शूट कर रहे हैं मार्च एडिशन के लिए, जो आप 9 तारीख को आपको दिखाई दे जाएगी एंड जो अनवील होगा कवर उस हिसाब से। आपका परिचय, आपका नाम? I'm दिव्या तिचोलकर एंड आई वाज फर्स्ट रनर अप ऑफ परफेक्ट मिस 2018। आपकी फोटोशूट की अगर बात करें, कितना एंजॉयमेंट किया आपने? It was really, we were really excited and I really had fun. But yeah, there is lot more to yet to shoot, so I'm really looking forward to it. आपके प्रोफाइल की बात करें, क्या-क्या अभी तक काम कर चुके हैं बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में? I'm still trying my best. I'm an actor and I got to live my dream of a model because of Perfect Woman. Besides that, I also sing and write. आपका परिचय, आपका नाम? I'm Neha Gulia, winner of Perfect Miss 2018 and from Haryana. Haryana. Yes. कहाँ से हरियाणा से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से, द डिस्ट्रिक्ट इज झज्जर। झज्जर। यस। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बा था पहुँचने का यहाँ तक? बहुत अच्छा और अलग एक्सपीरियंस है मेरा। फर्स्टली मैंने पेजिन के बारे में इंस्टाग्राम पे पढ़ा था, इंस्टाग्राम पे पढ़ने के बाद आई अप्लाइड एंड आई गॉट सेलेक्टेड। उसके बाद ग्रूमिंग सेशंस एंड ऑल, एवरीथिंग वाज क्वाइट गुड एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके, दोनों मॉडल से जानना चाहेंगे, आज तक बहुत सारे मॉडल्स ने कवर पे अपीयर किया है, किसी मॉडल आपको याद हो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें जिसका कवर आप दोनों को बहुत अच्छा लगा? There are many, but the one I really follow is Nidhi Sunil, and I really love the way she portrays herself
and she's really beautiful, and you know, she is the one from whom I have learned that, you know, you should know that you are the best, and it's you who can portray yourself the best, not any other person. So what about you? What I believe is I should learn from myself only, so I'm just looking forward for it. ओके मैम, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी मॉडल्स आते हैं यहाँ पे, आपने इन दोनों मॉडल्स को चुना है, कोई खास रीज़न उसका अगर कुछ शेयर करना चाहें इस बारे में, और दोनों की क्या क्वालिटीज़ है थोड़ा सा हमारे ऑडियंस? इन दोनों को तो आप लोगों ने चुना है बिकॉज दे आर द विनर्स, और विनर्स के लिए जो क्वालिटीज थी, जो ग्रूमिंग ट्रेनिंग के बाद में जो सब लोगों ने सिलेक्ट किया, दिस वॉज ऑल द सिलेक्शंस वर डन बाय द जजेस एंड ऑफकोर्स यू ऑल ऑडियंस, और आफ्टर द सिलेक्शन इट्स व्हेन दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑफ द क्राउन कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आप उनको कवर शूट होगा, उसके अलावा उनके सामने प्रोजेक्ट्स आएंगे जिनको उनको मॉडलिंग करनी है, जिनको उनको पोर्ट्रे करना है अपने आप को, तो वो सबकी ट्रेनिंग अब उनको दी जा रही है. सो दे आर टूवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ फेम, यू कैन से. कितना चैलेंजिंग होता है सब, मतलब जो डिसीजन होता है सबके सामने रखने के लिए, क्योंकि बहुत लोग सवाल भी उठाते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो ऑथेंटिक रहने के लिए आप क्या करती है, अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में, और कैसे टैकल करती है सब चीज़ें? ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज जब हम ट्रेनिंग करते हैं उसमें कंटेस्टेंट्स तो 24 होते हैं, लेकिन जब क्राउन तो किसी एक को जाता है एंड देन देयर आर 3 विनर्स, बट यस ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन वी हैव बीन कैप्चरिंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स, एंड वो फिर जजेस के सामने भी रखा जाता है. It's not just the D-Day, uske alawa bhi starting se from the day of the journey when it starts, from that till the end, it has been captured and it has been presented in front of judges, jisko dekh karke judges apna final decision dete hain. दोनों मॉडल से जाना चाहूँगा, परफेक्ट वुमन ने आपको बहुत सारा कुछ दिया है, जर्नी के बारे में अगर बात करें, आपकी जो सिलेक्शन से लेके अब तक की जर्नी, कैसा एक्सपीरियंस रहा परफेक्ट वुमन के साथ, और मैम कितना सपोर्टिव थी आपके लिए, अगर कुछ बताएं आप लोग? जर्नी बहुत बहुत अच्छी रही, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रहेगा. मैम ने और सभी टीम मेंबर्स ने बहुत फैमिली की तरह ट्रीट किया है हमको, फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट किया है, कभी हमें आउटसाइडर की तरह फील नहीं हुआ. सो जर्नी बहुत अच्छी थी एंड ग्रूमिंग सेशंस भी बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड इट वाज ऑल अ वेरी वेरी गुड एंड बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस, बट दे हैव लर्नड अ लॉट, मेनी थिंग्स एंड स्टिल ऑन द वे. हरियाणा में जो है बहुत कम लड़की आगे निकली है, चाहे मल्लिका सहरावत हो या मानसी सिंह, तो कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि वहाँ पे पर्दे में रहा जाता है, लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है, कितना बदल चुका है चीज़ें? ऐसा है वहाँ पर अभी काफ़ी कम हो गया है एंड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उसकी वजह से मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा है, टचवुड. एंड मेरी मॉम स्टार्टिंग से अभी तक मेरे साथ है एंड मेरे डैड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो वो चीज़ है, बट काफ़ी सुधर रही है. अगला स्टेप क्या होगा, बॉलीवुड में एंट्री या क्या? क्योंकि पहचान के लिए फोटोशूट कराया जाता है, कोई एल्बम हो या फोटोशूट हो, तो कोई ना कोई दिमाग में है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, क्या ड्रीम है आपका? ड्रीम मेरा यही है कि मैं बॉलीवुड में बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनूँ, एंड काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो लेट्स जस्ट लुक फॉरवर्ड फॉर इट. ओके मैम, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है कल, क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल वुमेन्स डे आने वाला है, आपका क्या मैसेज? इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो उसके लिए एक्चुअली ये पूरा सिर्फ एक महीना या एक दिन तो नहीं है, बिकॉज पूरा साल वुमेंस डे होता है, वी वुमेंस हैव बीन रॉकिंग फॉर द होल ईयर, सो एक दिन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज वुमेंस आर फार सुपीरियर एंड दे आर दे स्टैंड इक्वल फॉर एवरीवन, लाइक जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है, सो इट्स इक्वल राइट्स टुडे, 50% शेयर होल्डर्स मेन से, 50% वुमेंस है, तो इट्स इक्वल राइट्स राइट. वो हमेशा रहती है, अभी भी 4 लुक्स बाकी है, और एक जब तक उसका रिजल्ट बाहर हम नहीं देख लेते हैं, तब तक का एक जो है जो अंदर से एक नर्वसनेस रहता ही है, बिकॉज उसको उस तरीके से जैसे हम सोचते हैं एक्सपेक्टेड लेवल पे, उस तरीके से ये लोग परफॉर्म करें, और ये लोग बहुत रॉ हैं, अभी भी बच्चे हैं, इनको पोजिंग अभी ट्रेनिंग हो रही है, इनको पोजेस से लेके इनके एक्सप्रेशन से लेके वो सारी ट्रेनिंग्स चल रही है, सो बहुत जल्दी ये लोग अपने आप को तराश लेंगे, और फिर भी ट्रेनिंग चलती रहेगी इनकी. तो और क्या कहना चाहेंगे आप कुछ? झिझक स्टार्टिंग में रहती है थोड़ी बहुत, उसके बाद सब नॉर्मल है. ये बहुत कॉन्फिडेंट हो रही है, तो इट्स वेरी नाइस फॉर अस, और हम लोगों को एक्सप्रेशंस, इनफैक्ट टुडे व्हेन वी सॉ देम व्हाइल गिविंग द पोजेस, वी वर लाइक वेरी मच सरप्राइज एंड स्टंड आल्सो, बिकॉज आई सॉ देम गिविंग पोजेस वेरी नाइसली, बहुत ही प्रोफेशनल अभी अपने आप को कर रहे हैं प्रेजेंट ये लोग.
कैसे एंट्रीवीज में आप बताएंगे हरियाणा से यहाँ तक का सफर? हरियाणा से यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा है, एंड जैसा मैंने आपको बताया, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा एंड आई अप्लाइड. मुझे नहीं पता था मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी या नहीं होंगी, बट सिलेक्शन हो गया मेरा. मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. फिर अपना ग्रूमिंग सेशन स्टार्ट हुआ, उसमें भी बहुत कुछ सीखा, एंड देन ऑन द डे ऑफ पेजेंट आई वन एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. थैंक यू. From Goa, and one thing that I'd like to tell is to the viewers of Perfect Woman, that is, they should never, never, ever stop believing in themselves. You know, sometimes you come across some failures, but you should always push yourself, and you know, your aim should be being better every day. No matter what happens. So this is what I really love to share. ये इस मामले में, yes of course I would like to say, because we have seen a lot of changes in her. She was a depression patient, and now she's recovered and she is fighting for things. So it's very nice. We can see her growing. So अभी आप लोगों को इसको support करना है और आगे बढ़ाना है. तो कैसा रहा जर्नी depression से आप बाहर निकले? मतलब किस तरह से परेशानी का भाग बताना चाहिए? सिलेक्शन ना होना एक डिप्रेशन. या आई नो, जैसे मैंने कहा कि फेलियर्स आते हैं, मेरे लिए इट वाज नॉट गेटिंग, यू नो, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ आर जर्नी. वी शुड रियलाइज दैट फेल्यूअर इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, एंड अनलेस यू फेस देम यू कैंट ग्रो, एंड योर एम शुड बी टू ग्रो, नॉट टू विन एवरी टाइम. सो यू नो, यू शुड कीप ग्रोइंग, कीप फ्लरिशिंग, कीप ट्राइंग, कीप पुशिंग योर सेल्फ, एंड नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ. दैट्स द मोटो, दैट्स द मेन थिंग. एक्सपी की तरफ से बहुत ही अच्छा रहा है, बिकॉज गीत मैम और परफेक्टनेस के साथ में हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं. हमने ऑलरेडी दो तीन इनके डिफरेंट ब्यूटी पेजेंट्स किए हुए हैं, इवन स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम इनके साथ जुड़े हुए हैं. एंड एक्सपोजर स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, बिकॉज बैक स्टेज वर्क, क्विक वर्क जो करना होता है, और रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है मेकअप की हर जगह. तो यहाँ पे ये हो जाता है कि मेकअप में इसमें एकदम हमें डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस लेवल अच्छा हो जाता है. मैम आप बताइए कैसा कोलैबोरेशन रहा, और ग्रूमिंग का जो सेशन होता है काफ़ी टफ होता है स्पेशली कंटेस्टेंट्स के लिए, तो कितना सपोर्ट किया उन्होंने स्पेशली कंटेस्टेंट्स? नहीं, ऑफकोर्स लैक्मी के साथ में हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हैं. इट्स लाइक वन ऑफ द वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द एंटायर परफेक्ट वुमन टीम, बिकॉज इन्होंने मिसेस के पेजेंट्स किए हमारे साथ, टीन्स किए, मिस किए, अवार्ड सेरेमनीज किए, और अभी दे आर अगेन ऑल सेट फॉर किड्स. बच्चों का जो शो होगा परफेक्ट चैम्स, उसके लिए भी वी आर अगेन वर्किंग विद देम. तो इनके साथ में एक स्पेशलिटी हम लोगों को ये महसूस हुई, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट बीन इन टू अ मेकअप. इन लोगों ने, इनकी पूरी टीम ने जो है, जो लड़कियां, जो कंटेस्टेंट्स, जो फाइनल, नॉट जस्ट फॉर द विनर्स, उनको, सारे कंटेस्टेंट्स को हर बार मेकअप किस तरीके से करना है. इट्स नॉट नेसेसरी हर बार इन ये लोग रहें, प्रोफेशनल साथ में रहें, पर बिना उनके भी उन लोगों ने उनको गाइडलाइन दी कि वो लोग खुद का मेकअप किस तरीके से कर सके. और आज जो कवर शूट हो रहे हैं, जिसके चार राउंड्स हैं, ये चारों राउंड्स के लिए देमसेल्फ हैव बीन कीपिंग अ माइंड कि इनको इस तरीके से थीम हम लोग मेकअप करेंगे, ताकि वो फोटो और ग्लैमरस नज़र आए. मैम जैसे नया अभी आने वाला है परफेक्ट चैम्स ऑफ इंडिया, चैम्स ऑफ इंडिया, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? छोटे बच्चे सिक्स ईयर्स. परफेक्ट चैम्स जैसे कि ये बच्चों के रिलेटेड है, तो यहाँ पे कंप्लीट रिक्वायरमेंट मेकअप, हेयर स्टाइल सब डिफरेंट होता है, और हर लुक के हिसाब से होता है. इसमें अब बच्चे हैं तो ऑब्वियसली मेकअप वगैरह सेफ्टी वाइज किया जाता है कि बच्चों के लिए एक क्यूट लुक रहता है, तो उस चीज़ों को सब माइंड में रखते हुए हम उसी तरह से मेकअप करते हैं थीम बेस्ड. मैम लास्टली व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप मेकअप के मामले में? ये सब का लैक्मे के साथ जो किड्स के लिए आने वाला है, उनको कैसे अप्लाई करना चाहिए और क्या कुछ नया होने वाला है? जी, परफेक्ट चैम्स ऑफ इंडिया, इट्स अगेन एन इनक्रेडिबल पेजेंट फॉर किड्स, जहाँ पे फैशन, एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग विल बी अंडर वन रूफ. और उसके लिए फॉर द पार्टिसिपेशन 6 ईयर्स एंड अबव किड्स कैन पार्टिसिपेट टिल 12 ईयर्स, एंड फॉर द पार्टिसिपेशन जस्ट हैव टू लॉग इन www.perfectwomenprivatelimited.com. थैंक यू.